मैं हूँ अभी पालमपुर की एक खास जगह बैजनाथ शिव मंदिर में। ये पूरे हिमाचल प्रदेश का एक खास मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी कई कथाएं और मान्यताएं हैं। तो ये है मेन रोड और ये अंदर जो है पत्थर का एक रास्ता है, ये जाता है बैजनाथ मंदिर को। तो आप जैसा कि मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि मंदिर की झलकियां जो है दिखने लगी हैं। ये एंट्री है मंदिर की और यहाँ से सीधे जो है रास्ता जा रहा है मंदिर को। तो चलो अब जल्दी से चलते हैं। तो फाइनली जो है मैं पहुंच गई हूँ बैजनाथ मंदिर। एक कथा के अनुसार जब रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए अपने 9 सिरों की आहुति दी, तब भगवान शिव खुश होकर प्रकट हुए। इस पर रावण ने कहा कि मैं आपको शिवलिंग के रूप में लंका में स्थापित करना चाहता हूँ और इसके अलावा मुझे आप असीम बलशाली बना दें। तो तब भगवान शिव बोले तथास्तु और वो एक शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए। और तब भगवान शिव ने एक शर्त रखी और कहा कि अगर लंका जाने से पहले तुमने कहीं भी शिवलिंग नीचे रखा तो मैं उसी जगह पर स्थापित हो जाऊंगा। इसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर लंका की तरफ चल दिए और चलते चलते वो पहुंच गए बैजनाथ। वहां पर रावण ने आराम करना चाहा तो उन्होंने देखा कि वहां एक ग्वाला खड़ा था। इसके बाद उन्होंने ग्वाले को सारी बात समझाकर शिवलिंग पकड़ा दिया और आराम करने चले गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव ने अपनी माया से शिवलिंग को भारी कर दिया और ग्वाला जो है उसे काफ़ी देर तक नहीं पकड़ पाया और नीचे रख दिया और चला गया। इसके बाद जब रावण वापस आया और उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर है तो उसने उठाना चाहा और वो शिवलिंग इतना भारी था कि रावण उसे उठा नहीं पाया और वो शिवलिंग हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो गया जहाँ की आज ये बैजनाथ मंदिर है। एक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जब रावण को असीम शक्तियों का वरदान मिला तो ये बात देखकर बाकी देवी देवता जो है डर गए और उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने एक किसान का रूप लेकर अपनी माया रची और जिससे कि ये शिवलिंग यहीं स्थापित हो गया। पूरे देश में दशहरे का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बैजनाथ ही एक ऐसा शहर है जहां रावण का पुतला नहीं जलाया जाता और ऐसा रावण की भगवान शिव के प्रति भक्ति के सम्मान में किया जाता है। तो ये है शिव गंगा जल जो कि मंदिर के अंदर से आ रहा है और यहां पर भक्त जो है आशीर्वाद लेते हैं और अपने साथ इस गंगा जल को ले जाते हैं। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं बीच में बाउंड्री बनी है, इसे क्रॉस नहीं कर सकते, आपको यहीं तक आना होता है। ये मंदिर नागर शैली में बना है और कहते हैं कि द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया, लेकिन वो इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं कर सके और उसके बाद दो व्यापारियों आहुक और मनुक ने 1204 में इस मंदिर का काम पूरा किया।
मंदिर के आगे एक बड़ी सी नंदी की प्रतिमा स्थापित की गई है और भक्तगण आके जो है नंदी के कान में मन्नत मांगते हैं और कहते हैं कि फिर वो मन्नत पूरी हो जाती है। तो मंदिर के अंदर गर्भगृह के दर्शन हो चुके हैं और अब मैं जो है बाहर के भाग में आ गई हूँ मंदिर के। यहाँ से आपको मंदिर के अंदर का झलकियाँ थोड़ी थोड़ी दिख रही होंगी। मंदिर के दीवारों पे आप देखेंगे तो बारीकी से जो है डिज़ाइन किया गया है और साथ ही अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो है स्थापित की गई हैं। तो मंदिर की दीवारों पर तो खूबसूरत कलाकृतियाँ की हुई हैं, लेकिन जो बाहर की दीवारें हैं उस पर भी कई सारी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। अगर आप बैजनाथ मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो ये मंदिर पालमपुर शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर की संरचना इतनी खूबसूरत है कि वास्तुकला का भी एक बेजोड़ उदाहरण है। यहाँ पे जो बड़ी सी नंदी की प्रतिमा है, कहते हैं कि नंदी जी के कान में मन्नत मांगी जाती है। तो सब लोग देखेंगे अभी आपकी मन्नत मांग रहे हैं कान में बोल के। मेन मंदिर के अलावा भी बाहर कई छोटे छोटे मंदिर हैं और उन्हीं में से एक मंदिर के अंदर मैं हूँ। ये है श्री कृष्ण और राधा जी का मंदिर। ये थे मंदिर के अंदर के दर्शन, अब देखते हैं बाहर का एरिया। और अब मैं मंदिर के नीचे के एरिया में जा रही हूँ और नीचे जो है एक घाट है जिसे कहते हैं श्री खीर गंगा घाट। तो चलिए चलते हैं। मंदिर के बाहर ही छोटे छोटे स्टॉल और शॉप्स वगैरह हैं जहाँ से आप पूजा सामग्री ले सकते हैं और इसके अलावा कुछ रेस्टोरेंट भी है जहाँ आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। बैजनाथ मंदिर की तरफ जाते ही बीच में एक पार्किंग है, तो अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आप जो है यहाँ पार्क करके और उसके बाद जो है मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। पालमपुर के मेन मार्केट में और अभी लंच का टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट किया नहीं था, तो ढूंढ रही हूँ कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाए और फिर करते हैं लंच।